सपने लेने का हक सबको होता है, पर यह जरूरी नहीं कि हर किसी के सपने पूरे हों। छोड़िए रेलवे का चक्कर और दफन कर दे अपने इन सपनों को संदूक में। Good morning everyone. Good morning everyone. Welcome to wifistudy, changing the way of learning. तो देखिए यहाँ पे आज का आपको जैसे टैगलाइन भी दिख रहा होगा, यूनिट्स और स्टडीज़ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, क्योंकि आपके रेगुलरली जो आपके क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, आपको मात्रक के ऊपर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं डेली कुछ ना कुछ। जैसे कि अभी तक अगर हम बात करेंगे तो फोर्स की पूछी जा चुकी है आपको, राइट, फोर्स पूछा जा चुका है, वर्क पूछा जा चुका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए पूछा जा चुका है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। अब ये क्या है कि ये हो सकते, वैसे तो ये रिपीट कर भी रहे हैं क्वेश्चन, अभी दो मिनट पहले भी एनालिसिस जिन लोगों ने देखा है उन लोगों के लिए भी कि आपकी एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली ये चीज़ आ रही है कि क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं आपके काफ़ी लेवल तक, एटलीस्ट टॉपिक तो आपका रिपीट कर ही रहा है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज का ये यूनिट जो है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, जो मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैं इनको बोल सकती हूँ कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको आगे आने वाले आपकी जो पूरा क्लासेस है उसमें आपको एग्जाम्स जो हैं उसमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट से लाइक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जो हैं आपकी, सदिश और अदिश राशियां जो हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और जो न्यूमेरिकल आपके आ रहे हैं ना वो न्यूमेरिकल आपके कुछ फॉर्मूला बेस्ड, देखिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल उस लेवल के नहीं है कि आपको पूरा उसमें कैलकुलेशन करनी है या कुछ है, वो न्यूमेरिकल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आपको उनके फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले के ऊपर हैं। तो आप यूनिट्स करिए, फॉर्मूले करिए, तो इन चीज़ों से आपको पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। ओके राइट, दूसरा चीज़ ये कि कल की आपकी क्लास होगी नहीं, तो परसों ये दो टॉपिक मुझे बेसिकली कंप्लीट करना था, एक तो आपका मात्रक है वो कंप्लीट करना है और दूसरा आपका रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, राइट, रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट्स की हो चाहे प्लांट्स एनिमल्स या फिर ह्यूमन, इसमें फ्लावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपको रेगुलरली आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लस फ्लावर के पार्ट्स को लेके आ रहा है। तो ये जो वेडनेसडे की आपकी क्लास नहीं हो रही है, मतलब कल नहीं है क्लास, 16 को जो आपकी क्लास होगी वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स और फ्लावर्स, ठीक है, जनन की जो प्रक्रिया होती है मनुष्य में, एनिमल्स में जो आपके जीव होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, और फ्लावर्स जो होते हैं, ये हम 17 को करेंगे। तो आज यूनिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्कवरी इन्वेंशन की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है आपको, तो जिनका आगे एग्जाम है वो प्लीज़ करके एक बार डिस्कवरी और इन्वेंशन का पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कल डिस्कवरी में हमने क्वेश्चन किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, और आज के पहले शिफ्ट में किसी स्टेट में ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो शायद डिस्कवरी आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। पीडीएफ अपलोड हो चुकी है वाईफाई स्टडी ऐप पे, मैंने देख लिया है, आप खुद से चेक कर लिया है, आज ही चेक किया है सुबह, तो उसमें पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो पीडीएफ वहाँ जाके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके राइट, पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है, तो पीडीएफ हो गया यार, रिप्रोडक्शन आप तो देखो आज के बाद तो कल एग्जाम नहीं है ना किसी का, अब शायद 17 को है एग्जाम, राइट, तो 16 को हम कर लेंगे ना ये पूरा पार्ट, 16 को रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लेंगे। कल भैया 15 अगस्त है, कल काई की क्लास। ओके राइट, पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद आप आंसर करिए और फिर बाकी की चीज़ें जो है वो हम पीछे से डिस्कस कर लेंगे आपका। पहला क्वेश्चन देखिए वहाँ पे अपलोड हुआ है, मैंने देख लिया है पीडीएफ अपलोड हो गया है फ़ोन के अंदर, आप वाईफाई स्टडी ऐप खोलिए, डिस्कवरी और इन्वेंशन बायो के नाम से आपको पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हुई है।
ओके राइट, पहला क्वेश्चन वहाँ पे लगा दिया, इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मैंने आपको दिए। ये सारे टाइप के जो है ना वो हम क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार जस्ट फॉर रिवीजन एक आधा चीज़ आप भूल जाते हो तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन देखिए वहाँ पे, अ किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर जो है वो किसकी इकाई है आपको बताना है। नेहा यस, पावर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा ज़्यादा है तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। वन किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, पावर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जूल में भी मेजर करते हैं तो 3.6 × 10⁶ रहेगा इसका जूल के लिए अगर आता है तो। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तीन तरीके से मैं बोल सकती हूँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो जैसे ये दिया हुआ है वन किलो वॉट आवर की यूनिट आपको पूछी हुई है, दूसरा इसको पूछा जाने का आपका एक तरीका है कि वो जूल में पूछा जा रहा है, और तीसरा हॉर्स पावर 746 हॉर्स पावर होती है वन किलो वॉट की, जो पूरी वॉट में अगर मेजर करते हैं तो हॉर्स पावर के हिसाब से 746, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पावर जो है वो करेक्ट आंसर है पावर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा समान मात्रात्मक इकाई रखता है बताना है आपको। वर्क एंड पावर, कार्य और क्षमता, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आघूर्ण और जड़त्व संवेग, वर्क एंड टॉर्क, कारण और आघूर्ण, या फिर टॉर्क और एंगुलर मूवमेंट, आघूर्ण और कोणीय संवेग आपको बताना है। वन किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी कहां से आ गया भाई, जूल में मेजर कर रहा है, जूल नहीं लिखा है ना यहाँ पे, जूल के लिए लिखा होता है तो एनर्जी लिखा जाता है। ये वाले क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ पे चीज़ें जो है अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही आप देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क, पावर, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी ना तब तक वहाँ पे आप ये यूनिट्स वगैरह जो है उसके आंसर नहीं दे पाओगे। तो एक बार ये वाली जो पूरी क्वेश्चंस हैं इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, जितनी भी टोटल इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं आप उन सबको एक बार फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में अलग से। दिनेश कुमार, वर्क एंड टॉर्क जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यूनिट पूछी है, सेम यूनिट, वर्क और टॉर्क दोनों की जो यूनिट होती है ना वो न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर हम टर्म करते हैं इसके लिए। टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन मीटर करके इसको टर्म किया जाता है तो यहाँ पे वर्क एंड टॉर्क जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, एनर्जी इन दी फूड्स कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट्स, जो भोजन होता है उसकी ऊर्जा की इकाई जो है वो आपकी जो भोजन की जो ऊर्जा है उसको किस इकाई द्वारा नापा जाता है आपको बताना है। केल्विन द्वारा, जूल द्वारा, कैलोरी द्वारा या सेल्सियस द्वारा। एनर्जी इन दी फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट आपको बताना है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा नापी जाती है, केल्विन, जूल, कैलोरी या सेल्सियस। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा है ना, फिर वहां पे क्या प्रॉब्लम है। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा नापी जाती है बताना है, केल्विन, जूल, कैलोरी या सेल्सियस। ओके राइट, कैलोरी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। फूड को मेजर करने के लिए कैलरीज जो है वो यहाँ पे देखते हैं, कैलरी के हिसाब से ही पूरा आंसर आपका किया जाएगा तो कैलरी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर है आपका, सदिश राशियाँ जो होती हैं उनके ऊपर आपको बताना है इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। वर्क फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, तो वर्क फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि नहीं बोली जाती है बताना है। Which of the following is not a vector quantity? कौन सी इनमें से सदिश राशि नहीं है।
वर्क आपकी सदिश राशि है फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, कौन सी आपकी सदिश राशि नहीं है आपको बताना है। ओके राइट, वर्क जो है वो आपका करेक्ट है, यहाँ पे वर्क जो है वो करेक्ट आंसर है। और मार्क करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी शाम तक, तो वहाँ पे बस आपको शाम तक नहीं उससे पहले मिल जाएगी आपको। तो ये पीडीएफ में जाके आप ऐप में जाके आंसर को दोबारा पढ़ लो, दोबारा चेक कर लो उनको, राइट। तो वर्क जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी की सारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये सारी की सारी आपकी सदिश राशियाँ होती हैं, राइट। तो वर्क जो है वो करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे, रेट ऑफ वर्क डूइंग इज वर्क, कार्य करने की जो दर होती है ना उसको क्या बोला जाता है आप बताइए। एनर्जी ऊर्जा क्षमता संवेग या आवेश, क्या बोला जाता है कार्य करने की दर को। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज व्हाट, एनर्जी क्षमता संवेग या आवेश। आवेश। कल की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कल वाली डिस्कवरी इन्वेंशन की जो आपकी जो पीरियोडिक वो पूरी जो एक पीडीएफ है वो आ गई है आपकी। रेट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, एनर्जी पावर इंटेंसिटी या फोर्स। ओके राइट, रेट ऑफ वर्क डन जो है वो आपका पावर के इक्वल होता है। एनर्जी पावर यहाँ पे क्षमता जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अभिषेक, यस पावर जो है वो करेक्ट आंसर है। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज व्हाट, द पावर, राइट, क्षमता बोलते हैं इसको। अगला देखिए यहाँ पे, इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, निम्नलिखित में से गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए क्या नहीं होगा आपको बताना है। कि अगर ग्रेविटी नहीं हो, गुरुत्व ना हो, तो आपकी फ्लूइड के रिलेटेड में, द्रव के रिलेटेड में क्या चीज़ है जो नहीं होगी आपको बताना है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर या अपवर्ड थ्रस्ट। उसमें इन्वेंशन मेंशन करा है आपको, लेकिन वहाँ पे इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों चीज़ मेंशन करी हुई है। खाली इन्वेंशन लिखा है तो वो नहीं है, वहाँ पे दोनों चीज़ हैं। और तकरीबन आपकी 200 या 250 कुछ इन्वेंशन है, तो शायद उससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, अगर ग्रेविटी नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है वो द्रव्य के लिए मान्य नहीं होगी। विस्कोसिटी, श्यानता, सरफेस टेंशन, प्रेशर या अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट जो है उसको ऊपरगामी बल बोलते हैं, दबाव प्रेशर के लिए आपका। पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन या फिर विस्कोसिटी, श्यानता जो है वो क्या होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो इसमें नहीं होगा। मतलब कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी जो बॉडी है वो अपवर्ड थ्रस्ट, जो पानी है वो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो जो लगाता है, ऊपरगामी जो बल आता है वो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका अपवर्ड थ्रस्ट जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करके दी हुई है बस आपको। यही कुछ कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो अलग तरीके से, लेकिन जैसे ही आपकी लैंग्वेज चेंज होती है ना, क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम टेक, ये जो जल्दी बोलो कर रहे हो ना वो लोग, प्लीज़ यहाँ पे आराम से क्वेश्चन के आंसर दो। एनालिसिस करना होता है यहाँ पे, और आपने अपने मार्क्स बताना तो बंद ही कर दिया है कि कितना मार्क्स जो है आप ले रहे हो क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आज की ज़रा आप मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, इसीलिए मैं पीडीएफ डलवाऊंगी ताकि आपको पता चले कितना क्वांटिटीज आपको आ रहे हैं। तो अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखिए, फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड एज व्हाट, उड्डयन आपकी गतिविधियां जो होती हैं उनका लेखांकन जो होता है या अभिलेखन की जो तकनीक होती है उसको टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। उड्डयन गतिविधियों का
लेखांकन या फिर अभिलेख तकनीकी रूप से क्या बोला जाता है? फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड एज व्हाट? द डार्क बॉक्स, ब्लाइंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स या एल्टीट्यूड मीटर? डार्क बॉक्स बोलते हैं, अंध बॉक्स बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं या फिर एल्टीट्यूड मीटर इसको बोला जाता है? ओके राइट, सनी कुमार, ब्लैक बॉक्स जो है इसको बोला जाता है, संतोष, ब्लैक बॉक्स इसको बोलते हैं हम, राइट, टेक्निकली फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं. अब जरा यहाँ पे फटाफट से ये बता दीजिए, जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है? जल्दी इसका आंसर, ब्लैक बॉक्स जो है वो करेक्ट होगा. आपको बस इतना बताना है कि जो एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक होता है या कुछ और होता है? ओके, सौम्या श्रीवास्तव, यस, ब्लैक बॉक्स, लेकिन उसका कलर जो है ना वो ऑरेंज होता है आपका, राइट. अगला देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगला. पार्सेक इज यूनिट मेजरमेंट ऑफ व्हाट? पार्सेक किसकी इकाई है आपको बताना है? तारों की घनत्व की, डेंसिटी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी की, ब्राइटनेस ऑफ हैवीली बॉडीज या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार? पार्सेक जो है वो किसकी इकाई है आपको बताना है. यस, ब्लैक बॉक्स जो होता है आपका वो नारंगी रंग का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का. कई चीजें देखी नहीं होती हैं लेकिन उनके बारे में पता होता है, तो ऑरेंज बॉक्स कोई आपको दिखा नहीं रहा है ये ब्लैक बॉक्स कि भाई एरोप्लेन में बैठो और आके पहले ये बॉक्स देख लो ये किस रंग का है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो पता होना चाहिए, ठीक है. खगोलीय दूरी, यस, खगोलीय दूरी इसका आंसर होगा आपका. पार्सेक जो है वो किसकी इकाई है आपकी? खगोलीय दूरी की इकाई है आपकी. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम इसको बोलते हैं और ये सबसे बड़ी यूनिट है आपकी. पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है किसी भी दूरी को नापने के लिए, ठीक है. अगर आपको ऐसे कुछ करके आता है ना, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट यूनिट अगर हम बोलते हैं तो भी पार्सेक जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. इसैक न्यूटन इन्वेंटेड व्हाट? अब अगर फिजिक्स के बात करें हम इन्वेंशन की, कल ही किया आपने इन्वेंशंस के लिए, तो अगर हम न्यूटन की बात नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट होगा. तो आप ज़रा बताइए इसैक न्यूटन जो है उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बताना है आपको. थर्मामीटर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर या ट्रांजिस्टर? थर्मामीटर का, परावर्तक दूरदर्शी का, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का या ट्रांजिस्टर का? विशाल दुबे, यस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले का करेक्ट आंसर है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. आपको इसका आंसर बताना है अभी. इसैक न्यूटन ने क्या आपका आविष्कार किया था बताइए? थर्मामीटर का, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का या ट्रांजिस्टर का? इसैक न्यूटन ने थर्मामीटर कभी दिया? ओके राइट, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अभिषेक, यस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दूरदर्शी जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट. अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? प्रथम भारतीय जिसे भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ आपको बताना है, तो सी के नायडू, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन या फिर CV रमन? अमर्त्य सेन के ऊपर आपका क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछा जा चुका है कि इकोनॉमिक्स आपको बताना था पहले, और मतलब इंडिया में ओनली इकोनॉमिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला है, तो अमर्त्य सेन जो है उसका आंसर था आपको. यहाँ पे बताना है, नेम द फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में. नेम द फर्स्ट, अक्षिता तिवारी है, CV रमन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. यहाँ पे
सीवी रमन जो है उन्होंने इंडिया सी रमन इफेक्ट दिया था, तो आपको बताना था कि नोबेल प्राइज़ जो है वो आपका फिजिक्स में पहली बार जो है वो सीवी रमन को ही मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। डी जो मेंशन है वो आपको नहीं देखना है, डी जो है वो नहीं आपको वहाँ पे देखना है, जर्क होगा जे ई आर के जो है ना वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो बताइए यहाँ पे भौतिक राशि जर्क जो है उसकी इकाई आपको बतानी है, तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे बार बार आप लोग आप में से कौन है नेपर, नेपर किसकी इकाई है पूछ रहे हैं ना आप, तो नेपर जो है ना वो आपकी फिजिकल फील्ड या पावर जो क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में गेन और लॉस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका ये नेपर जो सिंबल है, एन पी से इसको डिनोट किया जाता है। ओके राइट, मीटर पर सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर है परवीन, यस नेपर पर सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर है, पता नहीं ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को जर्क के लिए नहीं पता है। मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है मीटर पर सेकेंड क्यूब जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज व्हाट, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है आपको बताना है, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी या लिमिनोलॉजी। अच्छा जर्क होता क्या है, जर्क के लिए देखो टर्म करते हैं जैसे कुछ मूवमेंट, सडन मूवमेंट या फिर ट्विस्ट टर्न जो होता है उसके लिए टर्म किया जाता है। तो मीटर पर सेकेंड क्यूब इसीलिए वहाँ पे उसकी इकाई होगी कि जर्क हम बोलते हैं उस टाइम पे स्पीड के लिए। एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी, किस चीज़ को स्टडी ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इनको रिवाइज भी नहीं करते और आपको लगता है कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी जो है वो आपका स्टडी जो है वो आपका उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्स के लिए। जर्क वाला मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए मूव और कॉज टू मूव विद जर्क या फिर कोई सडन टर्न जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, तो वो रिलेट करता है आपका स्पीड और टाइम से रिलेट करता है। तो मीटर पर सेकेंड क्यूब जो है ना वो उसका करेक्ट होगा, बी जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे मीटर पर सेकेंड क्यूब ये इसका करेक्ट आंसर है। मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर प्रति घन सेकेंड जो है वो करेक्ट है। और अगला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है उसका कॉस्मोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड, जो मून होता है चंद्रमा जो होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सिलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आयरिडोलॉजी या प्लैंटियोलॉजी। और देखिए मून के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, मून के ऊपर आपको मास को लेके, हाइट को लेके क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई आदमी मास को लेके, तो आपको पता ही है मास और वेट को लेके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मास, वेट, हाइट, हाइट में उछलने के ऊपर आ रहे हैं कि कितना वो धरती पे उछल रहा है, तो आपका वो मून पे जाके कितना उछलेगा, तो ग्रेविटी की वजह से जो वैल्यू है वो डिक्रीज इंक्रीज करेगी आपकी। तो जब ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टडी ऑफ मून जो है वो किसी भी शिफ्ट में आपको पूछा जा सकता है। तो स्टडी ऑफ मून जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, यस भूकंप के लिए इस्तेमाल होता है, सेलेनोलॉजी, यस सेलेनोलॉजी जो है भूपेंद्र शुक्ला, यस सेलेनोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो मून होता है आपका, चंद्रमा जो होता है उसके अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा और शायद ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, रिपीट नहीं मतलब शायद ये क्वेश्चन जो है वो आपके किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, वन नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स आपको बताना है। जो नैनोमीटर्स होते हैं
वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है। 10^-5 मतलब कि 10^-4 आपका रिप्रेजेंट करता है, 10^-6, 10^-9 या फिर 10^-10। नैनोमीटर जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है, बहुत आसान सवाल है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा, आगे आप देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको नैनोमीटर। और देखिए मैं वापस से बोल रही हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एस्टिमेटेड डाटा या कुछ भी, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आज के ये जो क्वेश्चन है आपके, शायद ही 47 कुछ क्वेश्चन है, 47-48 क्वेश्चन है, इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी कुछ कलेक्ट करके एनालिसिस करके प्रॉपर बोल रही हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम्स में दिखेंगे। 10^-9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, 10^-9 निर्मल, यस 10^-9 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 19 तो ऑप्शन में भी नहीं है, -9। अगला देखिए यहाँ पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी आपको बताना है। जो द्रव्यमान होता है किसी भी चीज़ का वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, आधारीय गुण है, स्केलर क्वांटिटी है, आदिश राशि है या उपरोक्त में से सभी। ओके राइट, एक आपकी यूनिट से रिलेटेड और फॉर्मूला से रिलेटेड एक आपकी पीडीएफ बना लेंगे, राइट। तो कल का टाइम भी है मेरे पास, मैं यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएंगे और यूनिट ऑफ फॉर्मूला जो है उनके सबकी मैं आपको एक मंडे नहीं अभी 16 तारीख को आपको इसकी मिल जाएगी एक पीडीएफ, ठीक है। सेलेनोलॉजी बता दिया मैंने आपको, मून से रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन का जरा सोच के आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है आपको बताना है। मास, फंडामेंटल और डिराइव्ड आपको पता है क्या होती हैं, फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती हैं, तो ये वाला एक बार आप टॉपिक पॉइंट देख लीजिए। फंडामेंटल जो है ना आपकी 7 जो है वो आपकी फंडामेंटल राशियां हैं, जो यहाँ पे आधारीय गुण जो आपका लिखा है ऐसी आपकी 7 फंडामेंटल हैं और जितनी बाकी की होती हैं वो उनसे डिराइव करके होता है। तो जिन लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, उसमें हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए आधारीय गुण या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर बोलती हूँ तो आधारीय गुण के आधार पे लेंथ जो होती है आपकी, लंबाई जो होती है ये फंडामेंटल यूनिट है, टाइम जो होता है वो आपका फंडामेंटल यूनिट है, मास जो होता है द्रव्यमान जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, टेम्परेचर या तापमान जो है ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, देखिए विद्युत धारा जो है आपकी ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, राइट। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है जिसकी आपको बार बार जो है वो पूछी जा रही है एसआई यूनिट, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है, आधारीय गुण है। और लास्ट यहाँ पे एक चीज और ऐड होती है आपकी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ जो होते हैं ना उन क्वांटिटी ऑफ मैटर हम लिख सकते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है ना ये भी आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, आधारीय गुण। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या होती है, देखिए लेंथ जब मैंने बोला तो आपके पास लेंथ का कोई फॉर्मूला है क्या, कुछ भी नहीं है ना, लेंथ लेंथ ही होती है। जब आप एरिया निकालते हो तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हो, क्षेत्रफल आपने निकाला तो लंबाई या चौड़ाई हो गया। टाइम का कोई आपके पास फॉर्मूला है, मतलब टाइम इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है। मास का द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला है आपका, कुछ भी नहीं है, फोर्स लगाया तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो ऐसे करके हम मास को इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी में। टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपकी ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो फंडामेंटल यूनिट है और इन्हीं को इस्तेमाल करके ना डिराइव्ड यूनिट बनाई जाती है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी को समय से नाप लिया आपने, ऐसी मास को इस्तेमाल किया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इस्तेमाल किया, विद्युत धारा को आपने इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल कर लिया रेजिस्टेंस के लिए या फिर एम्पियर के लिए करंट जो हमने निकाला, तो ये लर्न करके रखिएगा। बाकी सदिश और अदिश राशियां जो है वो हम यहाँ पे, मैं आपको पीडीएफ जो दूंगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, उमा शंकर चौहान, यस डी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। मास जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, कि मास जो है ना वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। किसी भी पदार्थ को नापने के लिए मास जो है वो एक भौतिक इकाई है, उसको अगर आप नाप रहे हो। तो ये जब आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, एक फोर्स मास टाइम और डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन जब आया था तब किया था ये क्वेश्चन। तो स्केलर क्वांटिटी भी है, फंडामेंटल तो यहाँ पे लिखी हुई है, और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। फ्रीक्वेंसी, फोर्स और रेजिस्टेंस, इनकी यूनिट बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस मैच आप आराम से करिएगा। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, आवर्ती दी, आवर्त दिया हुआ है, बल दिया हुआ है और प्रतिरोधी दिया हुआ है। सिर्फ वन को आपको आगे जो यूनिट दी है, मात्रक जो दिए हैं, उनके साथ मैच करना है और ध्यान से मैच करना है, इसको गलत नहीं करना है। यस, ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के साथ मैच करते हैं, फोर्स जो है बल जिसको हम बोलते हैं वो न्यूटन होता है आपका, राइट। और लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे ओम जो है वो बोला जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यस मोस्ट ऑफ द पीपल, नहीं सबने जो है वो इसका करेक्ट आंसर दिया है। शायद मुझे यहाँ पे ए के अलावा कोई और आंसर दिख भी नहीं रहा है, तो गुड, एटलीस्ट आपको ये बेसिक तो चीज़ें क्लियर हैं ही। जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी ना, तभी आप बड़े बड़े आंसर डिफिकल्ट वाले दे सकते हो। सो गुड फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, राइट। परमाणु या नाभिकीय त्रिज्या को नापने के लिए, नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक इकाई जो है वो, सर्वाधिक सही इकाई जो आपको बतानी है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मी। बहुत आसान क्वेश्चन आपका ये, व्हाट इज, विच इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी और एंगस्ट्रॉम। दस, बीस, तीस या पचास क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं दी है जो आपने पढ़ाए हैं, जो एग्जाम परीक्षा में आए, सारी पीडीएफ देखो। जो पचास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले थे उनकी दी है, आज ही इंपॉर्टेंट है वो मैं दे रही हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आपको कराए हैं उनकी यार वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। तो वो वही सारी चीज़ें हैं, एक बार वीडियो फटाफट से देख लिया करो ना। देखो स्पीड में, कई बच्चे बोलते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो 2x करके देखनी पड़ती है, स्पीड में देखनी पड़ती है, तो जल्दी से स्पीड में देख लिया करो, क्या दिक्कत है, फटाफट से। और ये आवाज़ वाला इशू है ना, तो यार धीरे बोलो ना, तो लगता है कि मैं ना एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रही हूँ 100% देखे। तो जिन लोगों को आवाज़ तेज़ लगती है ना, वो प्लीज़ करके ना वॉल्यूम डाउन कर लिया करो अपने फ़ोन का, ठीक है। मेरा वॉल्यूम डाउन करने का ऑप्शन नहीं है कोई। वट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, फर्मी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, फर्मी। आशीष, यस फर्मी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये फर्मी वाला, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं मोस्टली जो है ना गलत करते हैं बच्चे। फर्मी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको बतानी है वापस। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है बताइए, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क या स्पीड।
पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप जो है उस पर मिलेगी, और अभी लेटेस्टली ह्यूमन डिजीज, उसके बाद 50 क्वेश्चन, और उसके बाद इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ये तीन पीडीएफ जो है वो आप ये अपलोड करिए। आपको सबसे पहले वाईफाई स्टडी ऐप का जो ऐप है ना उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ जाके साइंस सेक्शन में जाके, रेलवे के साइंस सेक्शन में जाके बायो की पीडीएफ दिखेगी वहाँ पे। Which of the following is not a vector quantity आपको बताना है जल्दी से। Which of the following is not a vector, आप क्वेश्चन जल्दी कराने कंप्लीट, तो जल्दी से आंसर दीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से एक बार देख लीजिएगा, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। Which of the following is not a vector quantity, तो स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी की दीपक की है, स्पीड जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अमरीश, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स और वेलोसिटी, इनमें से कौन सी आपकी सदिश राशि नहीं है बताना है, त्वरण, विद्युत धारा, बल और वेग, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बताना है। इनमें से कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेलरेशन, फोर्स या फिर आपकी वेलोसिटी। जल्दी से इसका आंसर, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स या फिर वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मान, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मान और दिशा दोनों चाहिए होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ नहीं चाहिए। राकेश कुमार, यस, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, विद्युत धारा जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा आपका गलत है बताना है, पार्सेक डिस्टेंस, बैरल जो है वो लिक्विड के लिए, या लाइट ईयर जो है वो टाइम के लिए, इनमें से कौन सी गलत है, सिर्फ तीन, सिर्फ दो या दूसरी और तीसरी, सिर्फ दूसरी या सारे के सारे ठीक है, आपको बताना है जल्दी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हंसके क्या ऐसे दिखाते हो, आंसर दिया करो जल्दी से आंसर। ऑल आर करेक्ट जो बोल रहे हैं वो गलत है। लाइट ईयर जो है वो टाइम के लिए नहीं होता है, लाइट ईयर आपका डिस्टेंस के लिए होता है। बैरल लिक्विड के लिए होता है, कितना बैरल जो है वो अल्कोहल या जो होती है वो नापी जाती है। पार्सेक जो है वो डिस्टेंस की है ही, बैरल लिक्विड, लाइट ईयर जो है वो टाइम की ना होके डिस्टेंस की है, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। यस दिव्या, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस के लिए होती है आपकी, तो ए जो ऑप्शन है ओनली थ्री जो है वो इनकरेक्ट है, वन और टू जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ए मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटोमोलॉजी जो है वो इज दी स्टडी ऑफ व्हाट, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है आपको बताना है, बर्ड्स, इंसेक्ट, फॉसिल्स या फंजाई, पक्षियों से, कीटों से, जीवाश्मियों से या कवकों से। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस सिर्फ इतना है, वेक्टर में दिशा और मान, सदिश राशियां जो होती हैं उनमें दिशा और मान दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो होती है उनको दोनों चीजें नहीं चाहिए होती है, राइट, तो उसके आधार पे आपको ये देना है आंसर। यस, इंसेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, साधना गुप्ता, यस, इंसेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग एनवायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं अपने जीवित पर्यावरण के साथ जीवित जीवों की एक ही प्रजाति के संपर्कों से संबंधित हैं, ऑटोइकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, इकोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी।
ऑटो इकोलॉजी आपका संपारिस्थिकी, परिस्थिकी या जीवाश्मिक, बहुत आसान क्वेश्चन है और आगे के कुछ क्वेश्चन आपके बायो से रिलेटेड है एक दो। ऑटो इकोलॉजी, सेन इकोलॉजी, इकोलॉजी या पैलियंटोलॉजी, आपको इकोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा रहे हैं, राइट। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, मॉडर्न इकोलॉजी, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको डिस्कवरी वाला ये जो मिला है इसमें लिख के दे दिया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके राइट, मोस्टली लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है उज्ज्वल, यस इकोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, इकोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड, जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना है, जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इवोल्यूशन की थ्योरी आपको बताना है किसने दी थी, लुईस पाश्चर, अरिस्टोटल, ग्रेगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन। लुईस, जैव विकास का सिद्धांत आपको बताना है किसने प्रतिपादित किया था, लुईस पाश्चर, अरिस्टोटल, ग्रेगर मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ इकोलॉजी चार्ल्स डार्विन नहीं है भैया, फादर ऑफ इकोलॉजी आपका मॉडर्न इकोलॉजी ई ऑडम होगा, और फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर है, राइट। दीपक कुमार, चार्ल्स डार्विन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एक्सोबायोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद, बाहरी जीव विज्ञान किससे संबंधित है, हिंदी के ऑप्शन देखिए आपको समझ आ जाएगा, विलुप्त एक्सटिंक्ट फॉर्म, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों पे जीवन, लाइफ इन अदर आउट, लाइफ इन द आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष पर जीवन या लाइफ इन सबमरीन हैबिट, समुद्री वासस्थान को बोलते हैं। तो आपको बताना है एक्सो बायोलॉजी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सोबायोलॉजी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बताइए, एक्सोबायोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहला करेक्ट ऑप्शन जल्दी से। आउटर स्पेस, यस दीनू, यस आउटर स्पेस के लिए इसको लिखते हैं, सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, सत्येंद्र यादव, यस लाइफ इन द आउटर स्पेस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, बोलोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बताना है, और आई गेस ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ना रेलवे के कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, अगर सारी स्टेट के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है आपको बताना है, फ्रीक्वेंसी के लिए, टेम्परेचर के लिए, वेलोसिटी के लिए या वेवलेंथ के लिए बताइए। बोलोमीटर जो है वो इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बताइए, फ्रीक्वेंसी के लिए, टेम्परेचर के लिए, वेलोसिटी या वेवलेंथ। वोल्टमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है बताना है आपको, आवर्ती के लिए, तापमान के लिए, वेग के लिए या तरंग दैर्ध्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरीश यादव, यस वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फ्रीक्वेंसी, यस आई नो आप लोग वेवलेंथ आंसर दोगे मैक्सिमम लोग, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट आंसर है, वेवलेंथ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी करेक्ट आंसर है। वोल्टमीटर फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन रेलवे के अभी आने वाले, अगर अभी तक नहीं आया है तो आगे आने वाले किसी भी दिन में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय, जाली ये जो दस्तावेज होते हैं ना, जैसे कि जाली नोट, जाली पेपर, जाली साइन जो होते हैं, उन दस्तावेजों को किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है आपको बताना है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों द्वारा, इंफ्रारेड सूक्ष्म किरणें, बीटा रेज, बीटा किरणें द्वारा या फिर गामा रेज, गामा किरणों द्वारा, किसके द्वारा आपका ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, जाली दस्तावेज हैं, इनको इस्तेमाल मतलब इनको आप पता लगा सकते हो।
देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस और बहुत ज़्यादा सर्च करके ना उठाए जाते हैं और काफ़ी बुक्स को प्रेफर करके मैं ही आपको ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके दे रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और आई स्वेयर कि ये क्वेश्चन जो है ना वो आगे आपके आएंगे किसी ना किसी अगर रेलवे में तो यूज़ होना ही है, आने ही है, नहीं तो ये और एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम, राइट, लेवल काफ़ी अच्छा है इन एग्ज़ाम्स का। इंफ्रा रेड रेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको कि रिमोट कंट्रोल में कौन सी रेज जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे इंफ्रा रेड आंसर नहीं होगा, मोस्टली लोग इंफ्रा रेड ही लिख रहे हैं ना। ओके राइट, अल्ट्रा वायलेट जो लोग आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट जो है वो करेक्ट आंसर है, अल्ट्रा यूवी रेज को इस्तेमाल किया जाता है जाली दस्तावेजों के लिए। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको किसके द्वारा नापा जाता है बताइए, डेसिबल द्वारा, न्यूटन द्वारा, हर्ट्ज द्वारा या टेस्ला। इसके बाद ना क्वेश्चन का एक ऑप्शन है मॉर्गन करके, वो वाला क्वेश्चन नहीं, टीएच मॉर्गन करके एक ऑप्शन है, पीछे से होगा ये, वो वाले लगा देना पहले। ओके, डेसिबल जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, डेसिबल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन पहले बायो के कर लेते हैं, कुछ जो रिपीट हो रहे हैं तो मे बी वो आज ही रिपीट हो जाए, तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन उसका टी एच मॉर्गन है, बिल्कुल लास्ट में नहीं है, बीच में है, ठीक है। द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय आपको बताना है, यस बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, यस आप लोग बायोलॉजी के बोल रहे हो काफ़ी, डेसिबल जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, साउंड के लिए डेसिबल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पहले, डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ ना ये 50-50 की पीडीएफ आप संभाल के रखो, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको जो है ना वो पूछा जाने वाला है। द टर्म जीन आपको बताना है, ये जो जीन शब्द है ना उसका नामकरण जो है वो किसने किया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन है कंटिन्यूअसली जो आपको शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपका यहाँ पे, पहले आप इसके आंसर दीजिए। मॉर्गन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टी एच मॉर्गन जो है ये इनको हम बोलते हैं कि इन्होंने लिंकेज एक थ्योरी थी जो करी हमने जब हम जो है जेनेटिक्स किया था तो उसमें किया था। यस आई नो यहाँ पे 90% लोग जो है ना इसका आंसर गलत ही देंगे, बिल्कुल मॉर्गन गलत है, मेंडल गलत है, मेंडल आपको लग रहा है कि सारा थ्योरी दिया उन्होंने तो मेंडल होगा इसका आंसर, बिल्कुल गलत, मेंडल मॉर्गन दोनों आंसर इसके गलत हैं और मैक्सिमम लोग जो है वही दे रहे हैं। डब्ल्यू एल जॉनसन जो लिखा है वहाँ पे बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है, डब्ल्यू एल जॉनसन करेक्ट है, जीन जो शब्द है ना उसको डब्ल्यू एल जॉनसन ने कॉइन किया था और नाम दिया था इसको, ठीक है। अगला देखिए इसी से रिलेटेड, द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन बाय, जो जेनेटिक्स शब्द है अनुवांशिकी जो शब्द है वो आपका किसने इसको प्रतिपादन किया था बताना है, मॉर्गन ने, मेंडल ने, वॉटसन ने, बैटसन ने या फिर वॉटर। ये जो अभी क्वेश्चन देखिए, जीन की बात कर ली हमने, अब जेनेटिक्स बताइए, अनुवांशिकी शब्द जो है उसका प्रतिपादन किसने किया आपको बताना है, मॉर्गन ने, मेंडल ने, बैटसन ने या फिर वॉटर ने। ये वाला क्वेश्चन जो अभी गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पे आंसर नहीं आता तो सवाल गलत है, ये सही है। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय हुम, जेनेटिक्स जो है वो आपकी किसने दिया था आपको बताना है, मॉर्गन, मेंडल, बैटसन या वॉटर। ओके राइट, बैटसन जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर ठीक है यहाँ पे, मेंडल, वापस मेंडल,
देखिए, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। मेंडल ने ना तो जीन शब्द की जीन शब्द दिया ना जेनेटिक्स शब्द दिया। तो जीन शब्द आपका जॉनसन ने दिया और जेनेटिक्स जो है वो आपका यहाँ पे बैटसन जो है उन्होंने दिया था यहाँ पे, राइट। विलियम बैटसन पूरा आंसर है यहाँ पे, विलियम बैटसन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डॉली, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली जो है वो डॉली नाम की विश्व की प्रथम क्लोन जानवर था। आपको बताना था कि इसमें डॉली थी कौन, शीप थी, काउ थी, गॉट थी या पिग थी, भेड़, गाय, बकरी या सुअर। डॉली जो है वो क्लोन्ड एनिमल थी, तो आपको बताना है कि डॉली जो है वो था क्या। डॉली देखिए, डॉली इयान विलमिट रोजलिन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इसको बना पूरा इसका क्लोनिंग हुई थी। क्लोनिंग होता है कि कोई भी ऐसा जानवर या कुछ भी जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ना सिमिलर दिखाई देता है, उसके ना जीन्स में कोई बदलाव नहीं होता है, राइट। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं रूप में और अपने गुणों में भी, तो हम लोग क्लोन नहीं है, राइट। मूवी देखी है ना आपने, रोबोट मूवी देखी है, उसमें बहुत सारे क्लोन हो जाते हैं एक जैसा अगर दिखाई दे रहा है तो। तो डॉली जो है ना वो आपकी यहाँ पे शीप है, गॉट नहीं है, बकरी नहीं थी वो यार, भेड़ थी, शीप, राइट। तो कुछ फरवरी 2006 में उसकी डेथ हुई थी। इयान विलमिट ने इसको पूरा क्लोन किया था यहाँ पे, रोजलिन यूनिवर्सिटी में क्लोनिंग हुई थी इसकी। और लंग के डिसऑर्डर की वजह से, फेफड़ों की कुछ बीमारियाँ हुई थी उसकी वजह से जो शीप थी ना उसकी डेथ हो गई थी। मेमोरी सेल आप याद रखना, मेमोरी सेल से इनको इस पूरी शीप को बनाया गया था, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे, डीएनए टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था आपको बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोल सकती हूँ मैं इसको, या डीएनए टेस्ट भी हम सिंपल लिख सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग भी जो है ना वो आपको लिखा हो सकता है, फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप, डॉली जो है वो नहीं, डॉली नहीं, डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था बताना है। एलेक जेफरी, बी के कश्यप, वॉटसन एंड क्रेक या ग्रेगर मेंडल। राशिद हसन, यस, पहले का शीप जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक दो चीजें इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्लोनिंग के बारे में। डीएनए टेस्ट जो है, डीएनए आपका किसने डिस्कवर, डीएनए टेस्ट फिंगरप्रिंटिंग जो है ना वो किसने आपका डिस्कवर किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, भाई नहीं आएगा। देखो आप चीजें एसोसिएट कर लेते हो क्या, डीएनए मतलब वॉटसन एंड क्रिक, नहीं भाई, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन क्रिक ने, बाकी कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो ऐसे नहीं कंफ्यूज करना है। एलेक जेफरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से जो है ना आपको आज की डेट में ना क्रिमिनल्स को पकड़ पाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो ही पता लगता है कि भाई ब्लड सैंपल जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं। जैसे विक्टिम्स होते हैं, कोई भी दोषी जो है उसके अगर सैंपल जो है वो मैच कर रहे होंगे तो फिंगरप्रिंटिंग से मैच कराया जाता है। तो वॉटसन क्रिक जो है वो आप याद रखिएगा। देखो जेनेटिक्स बोला तो मेंडल, बिल्कुल नहीं, डीएनए बोला तो वॉटसन एंड क्रिक, बिल्कुल एसोसिएट नहीं करिए, इसी में ना जो क्वेश्चन है वो आपके गलत हो जाएंगे। एलेक जेफरी याद रखिए यहाँ पे, एलेक जेफरी, ही इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मैकेनिज्म थी वो एलेक जेफरी ने दिया था आपका। अगला क्वेश्चन, म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ये साइंटिस्ट जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने चार्ल्स डार्विन का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जिनको हम एवोल्यूशन का फादर बोलते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट थे ये। जैसे उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, किसी भी जानवर को जैसे जिराफ को लंबी अपनी गर्दन करने के लिए अगले ही साल तो नहीं होगी ना, मिलियंस ऑफ ईयर लगे उसको अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए या कुछ भी बदलाव लाने के लिए बहुत साल लगते हैं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं जो इसका आंसर होगा म्यूटेशन थ्योरी का, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सालों चाहिए,
किसी जंतु में या जानवर में या जीव में कुछ बदलाव जो है ना वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी आ सकते हैं म्यूटेशन की वजह से. तो म्यूटेशन की डेफिनेशन दी थी उन्होंने सिर्फ तीन वर्ड की, जो कि थी कि सडन हेरिटेबल चेंजेस. ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंजेस नाम की एक डेफिनेशन दी थी. तो आपको बताना है किसने दी थी. ओके राइट, ह्यूगो डी व्रीज यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है. भारत सुमन, यस ह्यूगो डी व्रीज जो है वो करेक्ट आंसर है. तो ह्यूगो डी व्रीज जो है वो डार्विन के बिल्कुल अपोजिट थे. भूपेंद्र शुक्ला, यस ह्यूगो डी व्रीज बिल्कुल अपोजिट थे डार्विन के, कॉन्ट्राडिक्ट किया था उन्होंने, क्रिटिक थे वो यहाँ पे डार्विन के. राइट, अगला देखिए, बहुत ही अगला क्या हो गया, ये लाइट ईयर आ गया. इससे पहले बायो के कुछ क्वेश्चन है. ओके राइट, फिर से फिर वहीं पे शुरू कर दो आप. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ना, ओम जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वो लगा दो. तीन दो क्वेश्चन के बाद ही है. ओके राइट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई आपको बतानी है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता का मात्रात्मक इकाई, ओम, ओम क्यूबिक, मो या फिर ओम क्यूबिक. इसका आंसर फटाफट. बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम जो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं. तो ये वाली इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, और आज वाली जो मैं ये पीडीएफ डाउनलोड करूंगी प्लीज करके उसको एक बार देख लीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट आपको बतानी है. गौरव सिंह, यस मो जो है वो इसकी करेक्ट आंसर है. सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है थर्ड, एम ओ, विकास कुमार, यस राइट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेस्ला जो है ना वो किसकी आपको बतानी है इकाई है, चुंबकीय डैश क्षेत्र की, एसआई, एसआई यूनिट जो है आपकी टेस्ला है किसकी, इंडक्शन की, मूवमेंट की, एरिया की या फिर फ्लो की. मैक्सिमम लोग तो करेक्ट ही आंसर दे रहे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है. आप बस चीज़ों को रिवाइज करते रहिए. यूनिट्स वगैरह जिनका भी पेपर हुआ नहीं है वो यूनिट्स वगैरह को बार बार रिवाइज करते रहिए. वेडनेसडे की, थर्सडे की क्लास में मैं रिप्रोडक्शन, जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम कर लेंगे. रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, इन तीनों की रिप्रोडक्शन के जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं शायद उसी में से कवर हो रहे हैं, तो वो पूरा पार्ट मैं आपको करा दूंगी. इंडक्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, इंडक्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. प्रेरण जिसको बोलते हैं, तो वो टेस्ला जो है वो आपकी इंडक्शन की करेक्ट यूनिट होती है. अगला देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है आपको बताना है. पावर एंड करेंट, क्षमता और धारा, पावर एंड वोल्टेज, शक्ति और वोल्टेज, क्षमता ही होगा, करंट एंड वोल्टेज, विद्युत धारा एंड वोल्टेज, और एनर्जी एंड करंट, ऊर्जा और विद्युत धारा. रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं. ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, शायद फर्स्ट डे ही आ चुका है. निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है बताना है. पावर एंड करंट, पावर एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज या फिर एनर्जी एंड करंट. ओके राइट, पावर एंड वोल्टेज जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. पावर एंड वोल्टेज जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फैराड इज द यूनिट ऑफ व्हाट. फैराड जो है वो किसकी यूनिट होती है आपको बतानी है. कैपेसिटेंस की, इंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की या कंडक्टेंस की, धारित की, प्रेरण की, प्रतिरोध की या चालकता की, किसकी यूनिट है आपकी ये.
फैरेड जो है वो किसकी इकाई है आपको बताना है। फैरेड जो है वो किसकी इकाई है बताइए, कैपेसिटेंस की, इंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की या फिर कंडक्टेंस की। ओके राइट, पूजा चौधरी, यस कैपेसिटेंस जो है वो आपकी फैरेड, उसकी यूनिट होती है आपकी कैपेसिटेंस की, यूनिट जो है वो आपकी फैरेड होती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग भी शायद कई सारे लोग थक गए हैं, बोल भी रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो इसमें बच गए हैं आपके, तो जो PDF डाउनलोड होगी उसमें आप देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, अभी 6 or 7 क्वेश्चन बचे हैं, तो PDF में आप इसको चेक कर लीजिएगा, सेशन को आप लाइक कर दो। और यस, आगे के सेशन जिन लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी लेट है उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वेडनेसडे की क्लास, थर्सडे की क्लास में ना हम लोग रिप्रोडक्शन और उसके बाद केमिकल जो नेम है सॉल्ट जो है ना उसके ऊपर एक अलग से जो क्लास है वो करेंगे, ताकि इक्वेशन वगैरह जो है वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बाकी जो अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो कल एनालिसिस लास्ट में शाम को 6:45 पे एनालिसिस था, जिसमें सारे क्वेश्चन अभी तक के आए हुए करा दिए हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, लेवल पता लग जाएगा। इन क्वेश्चंस को ज़रूर करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन इनसे रिपीट करेगा। तो थर्सडे को हम वापस स्टार्ट करते हैं, कल नहीं मिलेंगे, तो थर्सडे के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जो है उसकी आपको जो भी रहेगा टॉपिक वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन, यस बाकी क्वेश्चन आप PDF से देख लीजिएगा, इट्स जस्ट लाइक 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो हम करेंगे, यस सॉल्यूशन के साथ ही मिलेंगे, तो देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो यह देखो, जिनको रिप्लाई चाहिए ना, रिप्लाई 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 करके लिखते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। लॉजिकल जो रिप्लाई होते हैं ना उसके मैं, लॉजिकल जो कमेंट्स होते हैं उनके मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। तो कल अच्छे से पढ़ते रहिए, 15 अगस्त जो है वो उसको सेलिब्रेट करिए, ओके। तो थैंक यू सो मच, थर्सडे को वापस से क्लास कंटिन्यू करते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बाय बाय।